की फसल हुई बर्बाद। दमोह जिले में कार्यकर्ताओं ने विधायक लखन पटेल को घोड़ी पर बिठाकर घुमाया। निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करने पहुंचे थे विधायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया 24, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। आजादी के 70 साल बाद भी बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में हालात आज भी जस के तस हैं। आज भी लोग शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मौलिक अधिकारों के लिए जूझ रहे हैं। पन्ना जिले के आजागढ़ तहसील मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर गुड़िया नाला का पुल न होने से एक दर्जन से ज्यादा गांव के सैकड़ों छात्र छात्राओं को उफनते नाले को पार करना पड़ता है और शिक्षा हासिल करना पड़ता है। ग्राम मजपुरवा गांव के अधिकतर बच्चे पुल न होने की वजह से शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ये बरसात में नाले से जाना पड़ता है आप लोगों को जी। तो क्या दिक्कत आती है? हमारे कपड़े सारे हम गिर भी जाते हैं। स्कूल रोज जा पाते हो जब पानी बरसता है? नहीं, एक महीने या 15 दिन के बाद जा पाते हैं। मैं दिगवा में पढ़ती हूँ, मेरे गांव का नाम मंजपुरवा है।